मेरे भाइयों, शाबान का महीना अब खत्म होने के करीब है। इस महीने में जितने भी रोजे रखे जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, रखने चाहिए। अब थोड़े दिन रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ जो पहले से रोजे रखते आ रहे हैं तो उन्हें मजीद भी इस अमल को जारी रखना चाहिए। रमजानुल मुबारक में हमने अपने आप को तैयार करना है, अपनी सेहत का, अपने मामलात का ख्याल रखना है कि हम रमजानुल मुबारक में अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाल सकें। अब क्योंकि रमजानुल मुबारक में शौक होता है इबादत करने का, तो मेरा जी चाहा कि मैं इबादत के हवाले से आज चंद मारूजात आपके सामने रखूं कि इबादत का क्या मफहूम है और इसके क्या समरात हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए लेके आया है। ये आयत मुबारका जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने यही बात बयान फरमाई है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदू, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम आए ही इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए हैं, तो फिर हमें गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि इबादत हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह की इबादत में हमें मसरूफ रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस दुनिया में लाया ही अपनी इबादत के लिए। इबादत को समझना चाहिए और उसका मफहूम क्या है जानना चाहिए, और फिर अपना वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उलमा लिखते हैं इबादत के मफहूम के हवाले से कि ताअतुल्लाह, अल्लाह की फरमा बरदारी करना, बेफेल आवाम रही, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको पूरा करके, यानी उसके मुताबिक जो हुक्म दिया है उस पर अमल करके, वजतीना भी नवाही, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे बाज आ जाएं, उससे इज्तनाब करें। फिर साथ साथ मा मोहब्बतिल्लाह, अल्लाह से अपनी मोहब्बत को कायम रखें, व खौफ ही, और अल्लाह से डर के रहें, व रजाए ही, और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हो। यानी अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से मोहब्बत रखते हुए, उसके अवामिर पे अमल करना, जो हुक्म दिया है उसको उसके मुताबिक चलना, और जिस चीज से रोका है उससे बाज आना, ये ताअतुल, ये है इबादत, ये अल्लाह की इबादत। हम समझते हैं कि इबादत शायद चंद आमाल का नाम है। नमाज पढ़ लेना इबादत है, रोजा रख लेना इबादत है, इसी तरह हज कर लेना इबादत है, और हम समझते हैं बस यही इबादत है। नहीं मेरे भाइयों, हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, हर वो अमल जो अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो वो इबादत है। हर वो अमल जो अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो वो
इबादत जिससे अल्लाह राजी होता है वो इबादत, जिससे अल्लाह का तकर्रुब हासिल होता है वो इबादत है। लिहाजा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना ये भी इबादत है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना ये भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, अल्लाह के पसंदीदा लोग वो हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़ियामन जब खड़े हैं तो भी कर रहे हैं, क़ुऊदन बैठे हैं तब भी कर रहे हैं, व अला जुनूबिहिम अपने पहलुओं के बल लेटे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाती वल अर्द, और अल्लाह की जो पैदा करदा चीजें हैं आसमान जमीन इनमें वो गौर व फिक्र करते हैं कि ये कैसा आसमान इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और इसके अंदर कैसे अल्लाह ने चराग लगा दिए हैं और कैसे कैसे बगैर सुतूनों के ये आसमान बना दिया है, ये जमीन जो हर किस्म का सब्जा उगाती है ये अल्लाह ने बिछाई है, किस तरह खूबसूरत अल्लाह तबारक व ताला इनसे फल निकालता है, नबातात होती है, इन चीजों पर गौर व फिक्र करते हैं ये अल्लाह के जो पसंदीदा लोग होते हैं। और फरमाया वो कहते हैं रब्बना मा खलकता हादा बातिला, अल्लाह ये सब कुछ तूने बेकार पैदा नहीं किया, इसमें हमारे लिए बड़े फवायद, ये सब कुछ अल्लाह तूने बेकार पैदा नहीं किया, तो ये वो कहते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा लोग उठते हैं, लोग होते हैं जो अल्लाह जिनको जिनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह उनको पसंद फरमाता है, ये वो लोग। तो याद रखें इसी तरह हलाल रिज्क की तलाश करना, उसके लिए जद्दोजहद करना ये इबादत है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म को मानकर उसकी फरमाबरदारी कर रहे हैं तो ये इबादत है। यानी हलाल रिज्क जो हम अपने मकसद के लिए हासिल करते हैं उसको उसके लिए जद्दोजहद करते हैं ये भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला का भी ये हुक्म है, हलाल रिज्क की तलाश करने का अल्लाह का भी हुक्म है। फरमाया फैदा कुदियतिस सलात फंतशिरु फिल अर्द, जब नमाज जुमे के हवाले से मुकम्मल हो जाए तो फिर जमीन में फैल जाओ, और वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, कारोबार करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी कमाओ, यानी नमाज से फारिग होकर तुम ये काम करो, अल्लाह का हुक्म है। जब हम हलाल रोजी कमाने निकलते हैं उसके लिए कोशिश करते हैं तो गोया हम अल्लाह के हुक्म को हम पूरा करते हैं, तो ये भी एक इबादत। इसी तरह एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर दिया। तुम हल चलाते हो, तुम बीज डालते हो, तुम शो करते हो, खोदते हो, वो आपके ताबे है। और फिर फरमाया फमशू फी मनाकिबिहा, इसके अतराफ में तुम चलो फिरो घूमो और अल्लाह का रिज्क तलाश करो, वकुलू मिन रिज्किही व इलैहि नुशूर, और उसका रिज्क खाओ। और याद रखो अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह को एक एक चीज का हिसाब देना।
मेरे भाइयों, बिल्कुल इसी तरह अपने जिस्म को नींद के जरिए राहत पहुंचाना, ताकि अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के लिए ये जिस्म फिर चाको चौबंद हो जाए, फिर चुस्त हो जाए, ये भी इबादत। लो, आपको नींद आई है, आप सो रहे हैं, अगर आप ये नियत कर लें कि मैं सोकर अपने जिस्म को आराम पहुंचाऊं और फिर दोबारा चाको चौबंद होकर अल्लाह की इबादत करूं, तो ये इबादत है, आपका सोना इबादत है, आपका सोना इबादत बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लीजिए, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन आता फिराशहु वहुवा यन्वी अन यकूमा युसल्ली मिन अल्लैल, जो अपने बिस्तर पे जाता है, ये नियत करता है मैं रात के आखिरी हिस्से में उठूंगा और कुछ नमाज पढ़ूंगा, लेकिन फगलबत हुआ ना, नींद गालिब आ जाती है, फरमाया हत्ता असबहा, यहां तक के सुबह हो जाती है, फरमाया कुतिबा लहू मा नवा, जो नियत की थी अल्लाह ने उसको लिख दिया, हालांकि नहीं आप उठ सके, लेकिन जो नियत की थी, आपने नियत की थी कि मैं सुबह उठूंगा, नहीं उठ सके, अल्लाह ने वो लिख दिया जो नियत की थी। वकाना नौमहु सदकतन अलैहि मिन रब्बिही अज़्ज़ा वजल, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए ये नींद तोहफा है, ये नींद उसके लिए सदका है, अजर व सवाब का बायस है कि जो वो सोया रहा। तो मेरे भाइयों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा हर अमल जो भी हम अल्लाह की फरमा बरदारी में करते हैं, ये हर अमल जो है ये इबादत है, जो अल्लाह की फरमा बरदारी में करते हैं। इसी तरह अगर अपने पेट की भूख और प्यास को हम खत्म करें सिर्फ इसलिए कि मेरा जिस्म मजबूत हो और अल्लाह की फराइज के अदायगी में आसानी हो, मैं अल्लाह के फराइज अदा कर सकूं, मेरा जिस्म मजबूत हो, तो ये पेट भरना, खाना खाना भी इबादत बन जाता है। अंदाजा करें, नियत पे डिपेंड करता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पेट भर रहा हूं, हालांकि मैं अपनी भूख मिटा रहा हूं, अपनी भूख मिटा रहा हूं, लेकिन अगर आप ये नियत कर लें कि मैं इस जिस्म को मजबूत बनाकर, ताकतवर बनाकर, अल्लाह के फराइज की अदायगी में मैं अपने जिस्म को मजबूत बनाना चाहता हूं, ताकि अल्लाह के फराइज की अदायगी कर सकूं, तो यकीनन ये अमल भी इबादत बन जाता है। इसी तरह हत्ता के हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करना भी इबादत है। अब देखें, इंसान अपनी शहवत पूरी करता है हलाल तरीके से, तो कहा गया कि यह भी इबादत। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो इसका भी अजर है। तो आपने फरमाया, मुझे बताओ, हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ, अगर यही काम वो किसी हराम जगह करता तो क्या उसे गुनाह होता कि ना? तो अगर वो हलाल जगह पे कर रहा है तो उसका अजर क्यों नहीं मिले? तो ये भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा है, तो ये भी अल्लाह की इबादत में शुमार होता। बस नियत का फर्क है, बस ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जितने एहसानात किए हैं, उन एहसानात को का शुक्र अदा करने वाला अगर इंसान बन जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत मेहरबानियां इंसान पे करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वफी बुदे अहदिकुम सदका, के जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है तो ये भी सदका है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें
हर पहलू जिंदगी का अल्लाह को राजी करने के लिए लगा देना चाहिए। इसी तरह लेन देन और कारोबारी मामलात में अगर इंसान झूठ से, फरेब से, धोखे से, फ्रॉड से, खयानत से बचता है तो ये भी इबादत। यानी हलाल कमाने में, लेन देन में, कारोबारी मामलात में अगर झूठ से बचता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि झूठ से बचो, अगर धोखा दही नहीं करता, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तो ये अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है। फरेब से बचता है तो ये अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है, तो ये भी एक इबादत। इसी तरह अगर कोई वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक करता है, वालदैन के साथ अच्छा मामला करता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया है, और रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखता है, और बीवी बच्चों के हकूक पूरे करता है, तो समझ लें ये भी इबादत। क्यों? अल्लाह के हुक्म को बजा और अल्लाह के हुक्म की बजावरी में लगा हुआ है, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा है। इसी तरह अगर आम मुसलमानों से हमदर्दी करता है और आम मुसलमानों से मोहब्बत करता है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, तो ये भी एक इबादत बन जाती है। अच्छी आदत को अपनाता है, लोगों से खंदा पेशानी के साथ मिलता है, हुस्ने अखलाक का मुजाहरा करता है, अच्छी गुफ्तगू करता है, तो ये भी इबादत बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है तो ये अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, खुलासा ये है कि इबादत अल्लाह की बंदगी का नाम है। अल्लाह की बंदगी का नाम इबादत है, यानी वो अल्लाह की फरमा बरदारी करे और नाफरमानी से बचे, ये इबादत। तमाम अंबिया की दावत का खुलासा भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलकद बअसना फी कुल उम्मतिर रसूला अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा ये पैगाम देकर कि अल्लाह की इबादत करो और गैर अल्लाह की इबादत से इज्तनाब करो, अल्लाह की इबादत करो और तागूत की इबादत से इज्तनाब करो। देखिए, दुनिया में या अल्लाह की इबादत होती है या शैतान की इबादत होती है। अल्लाह ने यही बात फरमाई कि अल्लाह की इबादत करो और शैतान की इबादत से इज्तनाब करो। तागूत इंतहा दर्जे के सरकश को कहा जाता है और इससे मुराद शैतान होता है अमूमन। तो शैतान की इबादत से बचो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने यही बात बयान फरमाई, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम के बेटो, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, ना करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा वाज़े और खुला दुश्मन है, उसकी इबादत ना करो। और फरमाया, वानेअबुदूनी, मेरी इबादत करो। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी इबादत करो। फरमाया, हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है, अल्लाह की इबादत का और शैतान की इबादत से बचने का, ये सीधा जन्नत का रास्ता है। अरे भाइयों, हमें पता नहीं चलता, हम बहुत दफा शैतान की इबादत कर जाते हैं और नहीं करते। आप कहेंगे वो कैसे, हम तो नहीं करते। अरे भाइयों, सुन लें, जिस अमल में अल्लाह की नाफरमानी की वो शैतान की इबादत हो गई।
शैतान की इबादत हो चुकी जब आपने अल्लाह की नाफरमानी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करना ही शैतान की बंदगी है, शैतान के पीछे लगना है। अल्लाह की नाफरमानी कौन करता है? जो शैतान के पीछे लगता है। तो दो ही तो किस्म की ये बातें हैं, एक शैतान की और एक रहमान की। मेरे भाइयों, वो शैतान ही है जो लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर हटाता है और लोगों को मजारों पर लेके जाता है, दरबारों पे लेके जाता है, खानकाहों पे लेके जाता है। ये शैतान ही है जो लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर करता है और उन्हें बिदआत को खुशनुमा बनाकर पेश करता है उनके सामने, और लोगों को बिदआत के करीब करता है, सुन्नत से दूर करता है। ये शैतान ही तो है, ये शैतान ही की बंदगी है जो ये अमल करते हैं। वो शैतान ही है जो हलाल और जायज तरीके से अपनी शहवत पूरी करने की बजाय वो लोगों को नाजायज तरीके से बदकारी पर आमादा करता है। ये शैतान का अमल है और शैतान की ये इबादत इसी तरह वो शैतान ही है जो लोगों को हराम और नाजायज तरीकों से माल कमाने की तरगीब देता है। कभी सूदी लेन देन पे लगा देता है, कभी जुआबाजी पे लगा देता है, कभी रिश्वत और खयानत पर आमादा करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, नाजायज तरीकों से माल कमाने की तरगीब देता है। जब हम उसके पीछे लगते हैं तो ये शैतान की इबादत, तो जब हम शैतान की इबादत करते हैं तो गोया रहमान की इबादत से हम इबादत से इनकार करते हैं आमली तौर पर। तो इसलिए हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि रहमान की इबादत करना ही हमारी कामयाबी का बायस हो सकता है। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा मेहरबान, अल्लाह तबारक व ताला ने रहमान की बंदगी करने वालों की चंद सिफात बयान की हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कि हम रहमान की बंदगी करने वाले हैं या शैतान की। अल्लाह ने सूरह फुरकान है, जिस सूरतों की तरतीब में 25 नंबर है, आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूं, और आयत नंबर 63 से लेकर ये आखिरी हिस्सा है 76 तक, अल्लाह तबारक व ताला ने जो अल्लाह की बंदगी करने वाले लोग हैं उनकी सिफात बयान की हैं। मैं चाहूंगा अगर मैं एक एक सिफत यहां बयान करने लग जाऊं तो वक्त नहीं होगा। हर एक अपने अपने तौर पर सूरह फुरकान, जिसका तरतीब में आयत नंबर है सूरत का 25 और आयत नंबर 63 से 76 तक, अल्लाह तबारक व ताला ने रहमान की बंदगी करने वालों की सिफात बयान की, वो ऐसे होते। तो आप देखें, आप अपने पड़ताल करें, देखें कि क्या आप उनमें शामिल हैं। अगर नहीं तो कोशिश करें ताकि अल्लाह की बंदगी करने वालों में आप शामिल रहें। तो मेरे भाइयों, याद रखें, इबादत और बंदगी के चंद उसूल हैं, वो हमें अलहूज रखने चाहिए। चंद उसूल हैं जिनमें पहला उसूल ये है कि इबादत में इखलास लाजिम है। आप जब इबादत करें तो इसमें इखलास लाजिम है, और अल्लाह फरमा रहा है वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन,
कि ये लोगों को हुक्म दिया गया है कि कि वो अल्लाह की इबादत करें उसके लिए दीन को खालिस करते हो उसके लिए दीन को खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करें, यानी शिर्क और रियाकारी से पाक होकर अल्लाह की इबादत। शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए, खालिस खालिस चीज यानी मिलावट से पाक, शिर्क की मिलावट से पाक इबादत होनी चाहिए, रियाकारी की मिलावट से इबादत पाक होनी चाहिए। ये बुनियादी उसूल है जो शरीयत ने हमें दिया है कि जब भी आप इबादत करें उसमें इखलास शर्त है, लाजिम है। दूसरे नंबर पे इबादत वो होती है जो कलामे इलाही और हदीस रसूल से साबित हो, अल्लाह की और रसूल की रसूल से साबित हो, अल्लाह से साबित हो, तो वो है इबादत। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो कोई नई बात इस दीन में शामिल करता है तो उसे रद्द किया जाएगा, उसे रद्द किया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। और दूसरी जगह फरमाया, मन हामिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा तरीका नहीं है, हमने नहीं किया, हमने नहीं कहा, फरमाया फहुव रद्द, तो वो भी रद्द किया जाए। तो बात ये समझ आई कि इबादत वो होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित। तीसरे नंबर पर इबादत की मकदार और उसकी कैफियत दोनों में इत्तेबाए रसूल हो, यानी मकदार से मुराद मसलन जनाजा में रुकू और सजदा नहीं है तो हम नहीं करते, क्यों? अल्लाह और उसका रसूल यही फरमाता। ये मकदार मुकर्रर की है कि मगरिब की 3 रकात मुकर्रर हुई है तो हम उसे 4 नहीं कर सकते। जो मकदार मुकर्रर है उसमें हम इजाफा नहीं कर सकते। इसी तरह उसकी जो कैफियत है, जो नबी के तरीके में मकदार मुकर्रर है, इसी तरह जो कैफियत है उस कैफियत को हम नहीं बदल सकते कि जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हुक्म दिया है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो, तो जो कैफियत है उसमें भी रद्दो बदल नहीं करना चाहिए। चौथा उसूल ये है कि इबादत अल्लाह की मोहब्बत, खशियत और ताजीम के साथ की जाए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए और अल्लाह की ताजीम करते हुए इबादत होनी चाहिए। हदीस जिब्रील, मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील आए, कुछ सवालात किए, आपने उनके जवाब दिए, हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। उसमें एक सवाल था कि वमल एहसान, नेकी क्या है, एहसान क्या है, तो जवाब क्या मिला, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं। वइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर ये कैफियत नहीं बनती तो कम अज कम ये तो जहन में रखें कि वो तुम्हें देख रहा, अल्लाह तुझे देख रहा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी, अल्लाह का डर और अल्लाह की तादीम मलहूज खातिर रहनी चाहिए। और पांचवें नंबर पर पांचवा उसूल जो है वो इबादत इंसान का मकसद तखलीक है, ये समझना चाहिए, और पूरी जिंदगी आपकी इबादत बन जाए, क्योंकि आप पैदा ही इसलिए किए गए कि आप अल्लाह की इबादत करें, तो पूरी जिंदगी आपकी इबादत बन, ये कोशिश करें, यानी हर लम्हा अल्लाह की रजा का तलबगार रहे इंसान, हर लम्हा अल्लाह की रजा तलब करे, अल्लाह की रजा मांगे। ऐसा ना हो
کہ بعض مواقع میں اللہ کی عبادت اور بعض دیگر مواقع میں اللہ کو بھول ہی جائے. ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ پہ اللہ بھول جاتا ہے اور نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں, لیکن بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے. نہیں, ہر لمحہ زندگی کا اللہ کی فرما برداری میں گزرے, یہی اصل اصول ہے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے. اللہ کیا فرماتا ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کر, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. یہاں موت کو یقین کہا گیا کیونکہ وہ یقینی آنی آنی ہے, اس کے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آ جانی یقینی چیز ہے. لہذا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے, ہر وقت تم نے اللہ کی عبادت کر, یہ اللہ حکم دے رہا. تو میرے بھائیو, اسی طرح اللہ کی بندگی کرنے والا جو شخص ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. یعنی یہ ثمرات ہیں, یعنی اللہ تعالی کی بندگی کے ثمرات میں سب سے پہلا ثمرہ پھل یہ ملتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والا شخص جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ کا قرآن ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ بتا رہا ہے, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے یوسف کے ساتھ یوسف کی طرف قصد کر لیا تھا, وَحَمَّ بِهَا, اور وہ بھی قصد کر لیتا, لَوْلَا عَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ, اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکا ہوتا تو وہ بھی قصد کر لیتا, قَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, یہ ہم نے اس کو بے حیائی اور برائی سے بچا کے رکھا. فرمایا کیوں, اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ, وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. تو آپ بھی مخلص بن جائیں تو آپ بھی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اللہ آپ کو بھی بچا لے گا. اللہ کے مخلص بندے بن جائیں تو اللہ آپ کو بھی بچا لے گا. تو یہ ثمرہ ہے اللہ کی بندگی کے نتیجے میں انسان بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اور دوسری بات, شیطان کے غلبے سے بچ جاتا ہے, یعنی شیطان اس پر غالب نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا, تو ان پر غالب نہیں آ سکے گا, الا من اتبعک من الغاوین, ہاں جو گمراہ لوگ تیرے پیچھے چلیں گے ٹھیک ہے, تو تیرا غلبہ ان پر ضرور ہوگا, لیکن جو میرے خاص بندے ہیں عبادت کرنے والے وہ تو اس پر کبھی غالب نہیں آ سکے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر شیطان مجھ پر غالب آ گیا ہے, میں اللہ کا خالص بندہ نہیں ہوں. میں اللہ کا خالص بندہ نہیں ہوں تبھی شیطان مجھ پر غالب آ گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ میرے خاص بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے, اگر ہو گیا ہے تو میں خاص بندہ نہیں, اللہ کا خالص بندہ نہیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا. یاد رکھیں, جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو یاد رکھیں اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. جب اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. لہذا اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ آپ کا مددگار بن جائے, اور پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے, اور جب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو
इस बात का आदि बनाए कि हम सिर्फ बल्कि हर वक्त अल्लाह की बंदगी करने वाले बने। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।